ताजिकिस्तान सबसे ज्यादा रेलिवेंट है इसलिए कि उन्होंने पना दी है कुछ लोगों को वो सबसे करीब है रूस के और वहां इंडियन अड्डा है जी और जब वो दौरे पे आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज दी देखिए वो खुश नहीं था जैसे को मेहमान आ तो जाए मगर कह भी मैं मजबूरी से आया हूं और रूस डबल गेम कर रहा है दूसरी तरफ ताजिकिस्तान रूस के साथ भी इन टच है इस मामले पे और हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि रीजनल कंसेंसस के बगैर हम आगे बढ़ सकें नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को अगर कहीं से सपोर्ट इस वक्त एक्टिवली मिल रही है तो वो ताजिकिस्तान से मिल रही है फिर ईरान से किसी हद तक मिल रही है तो हमारे लिए हालात जो हैं वो किसी हद तक अब मुश्किल हो गए हैं जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का वो मजरू है पर जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट इंडिया के जादू में फंस चुका है जी। इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला Never... सभी को जय हिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहें तो साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं ताजिकिस्तान सबसे ज्यादा रेलेवेंट है इसलिए कि उन्होंने पना दी है कुछ लोगों को वो सबसे करीब है रूस के और वहाँ इंडियन अड्डा है जी। और जब वो यहाँ दौरे पे आया आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज दी देखिए वो खुश नहीं था जैसे को मेहमान आ तो जाए मगर कह भी मैं मजबूरी से आया हूँ और रूस डबल गेम कर दूसरी तरफ ताजिकिस्तान रूस के साथ भी इन टच है इस मामले में और हमारे लिए अब मुश्किल हो गया है कि रीजनल कंसेंसस के बगैर हम आगे बढ़ सकें जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को अगर कहीं से सपोर्ट इस वक्त एक्टिवली मिल रही है तो वो ताजिकिस्तान से मिल रही है फिर ईरान से किसी हद तक मिल रही है तो हमारे लिए हालात जो हैं वो किसी हद तक अब मुश्किल हो गए हैं जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का वो मजरूह है पर जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट इंडिया के जादू में फंस चुका है जी इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला रोज वजी अजम इमरान खान ने ताजिकिस्तान के सदर से टेलीफोन पे बात की और मौजुअ सुखन अफ़गानिस्तान ही था अफगानिस्तान में अब सूरत हाल जहाँ तक तालिबान को तस्लीम करने का मामला है उस कॉन्टेक्स में अब डिफिकल्ट मुश्किल होती जा रही है और ताजिकिस्तान अब एक अहम रोल अदा करेगा इस सारे मामले में क्योंकि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसके रूए रवान जो अगर कोई है तो वो अहमद शाह अहमद मसूद हैं जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं वो इस वक्त ताजिकिस्तान में हैं या दुशंबे में हैं अब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का भी जो मामला है उनके भी जो अहदाफ हैं वो क्लियर नहीं है आया वो बनशीर वैली तक अपने आप को महदूद रखना चाहते हैं या फिर पूरे अफगानिस्तान में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर पनशीर जिस वैली का उनका मतालबा यही था कि उनको कुछ अटानमी दे दी जाए और वो तालिबान की हुकूमत को तस्लिम कर लेंगे दूसरी तरफ ताजिकिस्तान रूस के साथ भी इन टच है इस मामले में Uh, क्योंकि उनको ख़दशात हैं कि शायद पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एज ए फर्स्ट स्टेप रूस चीन और पाकिस्तान किसी तौर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लें और उनके ख्याल में चूँकि ताजिकिस्तान शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर तो उनको ज़्यादा ख़तरा लाक हैं तालिबान से और तालिबान अगर चाहें तो उनके लिए डिस्टर्बेंसेज भी पैदा कर सकते हैं ताजिकिस्तान में तो वो वो एक लिहाज से उन्होंने इन्वोक किया है सी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2002 में बनी थी उसके छः या सात मेंबर्स हैं रशिया और ताजिकिस्तान भी हैं अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये हो गई है कि हमने चूँकि शुरू से अगर हमने जल्दी फ़ैसला कर लिया होता तो शायद आज हम इस भंवर में ना होते लेकिन चूँकि हमने ख़ुद ही अब कह दिया कि रीजनल कंसेंसस हम बिल्ड करना चाह रहे हैं तो अब हम होस्टेज uh, हो गए अपने ही उस उस बात के और हमारे लिए अब मुश्किल हो गया है कि रीजनल कंसेंसस के बगैर हम आगे बढ़ सकें और ताजिकिस्तान चूँकि भारत का हमसाया मुल्क है वो बॉर्डर शेयर करते हैं तो हमारे लिए अब ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम ताजिकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान को को तस्लीम उनकी नई हुकूमत को तस्लिम करें तो मामला जो हैं अब ताजिकिस्तान एक अहम प्लेयर हो गया है सारे मामले में क्योंकि जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को अगर कहीं से सपोर्ट इस वक्त एक्टिवली मिल रही है तो वो ताजिकस्तान से मिल रही है फिर ईरान से किसी हद तक मिल रही है तो अब ईरान की जो इस वक्त लीडरशिप है उनके ख्याल में तालिबान उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं और ईरान का मामला पहले भी थोड़ा बहुत हमारे लिए तश्वीशनाक रहा है क्योंकि हम जानते हैं कमांडर कुलभूषण जादे भी चाबहार जा से अपनी एक्टिविटीज़ करता रहा तो हमारे लिए हालात जो हैं वो किसी हद तक अब मुश्किल हो गए है। ताने से है। फिर ताज़िकस्तान ताज़िकस्तान हैं फिर ताजिकिस्तान की सरहद पे इमरान खान क्यों गए ताजिकिस्तान ताकि ताजिकिस्तान को अतमाद में लें ताजिस्तान सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है इसलिए कि उन्होंने पना दी है कुछ लोगों को ताजिक आबादी बीस से तीस फीसद है और वो सबसे करीब है रूस के और वहाँ इंडियन अड्डा है जी। और जब वो यहाँ दौरे पे आया आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज दी देखिए वो खुश नहीं था देखो मेहमान आ तो जाए मगर कह भी मैं मजबूरी से आया हूँ इमरान खान साहब उसको समझाने के लिए गए समझाते बहुत हैं समझते कम है समझाते ज्यादा है अच्छा <laughs> आज उन्होंने टेलीफोन किया उसको ठीक है ताजिकिस्तान पे सबसे ज्यादा करीबी हलीफ है, है रूस का और रूस डबल गेम कर रहा है अब यहाँ पे रूस डबल गेम कर रहा है वो क्या डबल गेम है मदद है भी कर रहा है अफगानों की ये भी हाँ। कह रहा है कि तस्लीम करना पड़ेगा सिर्फ इमरान खान साहब नहीं कह रहे सभी कह रहे हैं जुबान हाल से कम अज कम कह रहे हैं चीनी भी मदद कर रहे हैं और रूसियों ने तालिबान की मदद भी की है चीनी ने भी की है तो डबल गेम क्या है रशिया की फिर इसमें क्या डबल गेम है उसमें ताजिकिस्तान से प्रेशर भी डाल रहे हैं ना वो उन्हें अंदेशा है तो है कि अगर ये मजबूत होगा तो हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे ताजिकिस्तान में मसाइल पैदा हो गए तो दूसरी रास्ते में हो सकते हैं रूसी जो अमरीकी भी यही कहते हैं अमरीकी कहते हैं कि भाई ये जो सूरत हाल है इसमें एक बार फिर हमारे लिए खतरा पैदा हो सकते हैं यहाँ बैठ के मनसूबाबंदी हो सकती है बात लोग कहते हैं फ़ौरन तालिबान को तस्लीम कर ले मैं सोचता रहा मैं आज इस नतीजे पर पहुँचा गया बिल्कुल नहीं जी और जहाँ तक अलकायदा की या दाश की दाइश की यानी या वहाँ पे प्रेजेंस की तो हमें तकरीबन डेली बेसिस पे वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनकी तरफ से तालिबान पे हमले हो रहे हैं ननगरहार में लोगर में फिर काबुल में अभी तो नॉर्थ की तरफ भी उनकी प्रेजेंस यानी कल भी वहाँ पे हमले हुए हैं और तालिबान ने बल्कि कल उनकी तरफ से अनाउंसमेंट भी हुई है कि कंट्री वाइड उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है दाश के लोगों के ख़िलाफ़ या उनके जो सैपिटाइजर या हेल्पर्स हैं जिस तरह आप कह रहे हैं वेस्ट इस वक्त पाकिस्तान की बात क्यों नहीं हम्म उसके सुनने की वजूहात ये हैं जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का वो मजरूह है और दूसरा उसमें जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट जिस तरीके से इंडिया के जादू में फंस चुका है जी इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला जादू कर लिया अब उसमें ये देखें कि आप जो भी कोशिश कर या तो वो वहां से डिक्टेशन लेकर आते हैं या फिर जो आप कहते हैं वो इंडिया जाकर डिफ्यूज हो जाता है एक तो ये बात चल रही है मुसलसल और इसमें प्लान बी में मौजूद है कि वापस जाना पड़ा अगर वहां से वो खदशात या खतरात आते तो वापस भी जाएंगे ये मुझे अच्छा